जाली मीडिया के चेले चमचों को हम अक्सर लताड़ते ही रहते हैं। इनकी भली शक्लें, हजारों फिल्टर्स और कैमराज की सफाई और गंदगी भरे डांस हमारी सोसाइटी में तो मकबूल हैं, मगर फिर भी अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकने की कोशिश करना हम पर लाजिम है। लिहाजा हानिया आमिर की एक और वीडियो, जिसमें इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर की चंद अरसा पहले की एक दास्तान को हम ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके हैं, जिसमें आसिम असर नामी एक नौजवान और हानिया आमिर के चक्कर के बाद वो मामला ख़त्म हुआ, तो इस कंट्रोवर्सी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर धूमें रही। और अब मामला यहाँ पर आन पहुँचे कि आसिम असर की मंगनी के ऊपर हानिया आमिर पाई गई। एंड तक मनाजर देखिएगा कि इन्होंने क्या करतूत दिखाए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त देखने को मिल सके। तो जनाबे वाला, जब औरत साथ में हया ख़त्म हो जाती है तो वो हर जगह मुंह मारते हुए गुनाह और जिनाह को प्रमोट करती है, और यही चीज़ें इस जाली मीडिया की तमाम चेली चमचियों की हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर को प्रमोट करते हुए पहले मुंह काला करती हैं, फिर अपनी हया और गैरत को एक साइड पे छोड़कर इस माशरे को, सोसाइटी को ये तालीम देती हैं कि बेगैरत बन जाओ, कंजर बने रहो, म्यूज़िक पर नाचते रहो, कहीं कहीं बॉयफ्रेंड बनाओ, एक छोड़ो दूसरा अपनाओ, जिंदगी भर शादी नहीं करनी, जलालत अपने मुंह पर थोपनी है, जहालत इस तरह दिखानी है कि शैतान भी देख कर शर्मा जाए। इन्हीं चीज़ों से आपको शोहरत मिलेगी, और शायद ऐसे ही बेगैरतियों से ये इज़्ज़त कमाने की कोशिश में लगे हैं, मगर अल्लाह कुरान में कहता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है, तो अल्लाह जिनको छूट दिए रखता है वो जहालत में इंतहा कर जाते हैं। ये मत सोचिए कि उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं, हम भी उनके पीछे चलेंगे तो कामयाब होंगे, बल्कि ये अपने एंड की तरफ जा रहे हैं, अजाब तो आना ही आना है। वो चाहे इनके बुढ़ापे में आए, जवानी में ये अपने जान ले लें, खुदकुशी कर लें, या ज़िंदगी भर मुँह काला करते करते बुढ़ापे में ये एड़ियाँ रगड़ते हुए अपने रब से मौत की तमन्ना करें, लेकिन मौत इनके करीब भी ना भटके, और ना ये जी सके और ना ये मर सके, तो हम अगर इन्हीं के पीछे चलेंगे, इन्हीं जैसी बुराइयाँ करेंगे, अपने रब को हम नाराज़ कर बैठेंगे, शैतान के रास्ते पर चलेंगे, तो यकीन मानिए हमारा एंड इनसे भी बदतर होगा, क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल बेगैरत शैतान के चेले चमचे, शैतान और इस दज्जाली निज़ाम के पूरे सपोर्ट से चल रहे हैं, और इनका मेन थीम, मेन काम ही हमारी सोसाइटी की भोली भाली आवाम को बर्बाद करना है, जलील ख़ुआर करना है। अल्लाह पाक हम सबको इनके शर से बचाए, इन्हें राह हिदायत नसीब फरमाए, और आप सबका हामी नासिर हो। आपकी क्या राय है इस वीडियो के मुतालिक, मेरी बातों के मुतालिक भी कमेंट लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करते हैं, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करते हैं, नोटिफिकेशन और पर सेलेक्ट कर लें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।